इति दृक्स्वलीलाभिर् आनंद कुंडे। इति इति दृक् मतलब होता है ये देखकर, ये लीला देख रहे हैं, देख रहे हो आप, मतलब ऐसा नहीं वो कह रहे कि ये लीला पढ़ के, ये लीला देख कर, मतलब दैट मीन्स समाधि में है, वो समाधि में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सो ये लीला देख कर, क्या हो रहा है, ये लीला देख कर, इति दिक् स्वलीला भीर, स्वलीला भी मतलब कि स्व मतलब उनकी अपनी लीला, स्व लीला, एक तो ये कह सकते हैं आप, एक ये हो सकता है कि स्व लीला मतलब अपने भक्तों के साथ जो लीला है, यशोदा माँ के साथ, जो उनके स्वजन हैं उनके साथ जो लीला है। स्वलीला भी आनंद कुंडे, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं मैं आनंद के कुंड में डूब गया हूँ, दैट्स व्हाट सत्यव्रत मुनि से। सत्यव्रत मुनि यहाँ पर ये फिलोसॉफिकल सिद्धांत बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं पर जब ध्यान लगाते हैं तो आत्मा को अपने आप आनंद मिलता है, स्वाभाविक। हो सकता है अभी ना मिल रहा हो, क्योंकि अभी प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, जब जब जॉन्डिस होता है तो गन्ने का जूस क्या लगता है, कड़वा, अल्टीमेटली वैसे तो मीठा है। सो ऐसे ही अभी शायद हमें ना लग रहा हो ये क्या कहते, ये लीला सुन के देख कर इतना आनंद नहीं आ रहा हो। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में डूब गया हूँ मैं। ऐसा नहीं है थोड़ा सा कुछ मज़ा आ रहा है, थोड़ा शांति मिल रही, थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, मैं डूब चुका हूँ ओशियन ऑफ हैप्पीनेस में। सो इसीलिए वो ये बताना चाहते हैं कि भगवान की लीलाओं पर ध्यान लगाना, उनका स्मरण करना, उससे आत्मा अपने आप आनंदित हो जाती है। सो क्यों? क्योंकि भगवान के भगवान हमारे सोर्स हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जब हम उन पर ध्यान लाएंगे तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसे भी हम जब जब आप अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हो तो अच्छा लगता है ना, लगता नहीं लगता बच्चों, अच्छा लगता नहीं लगता है? आया ना ये, हाँ इनसे पूछ रहा हूँ मैं, ये अच्छा लगता है मम्मी पापा के बारे में सोचने में? क्यों? क्योंकि हम उनके हैं। ऐसे ही जब कृष्ण के बारे में आत्मा स्मरण करती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा उनकी है। सो आनंद कुंडे, तो हमें कोई अननेसेसरी मेडिटेशन की, ध्यान की, ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की लीलाओं का स्मरणम और कीर्तनम करना है। ऑफ कोर्स कैसे करना है? इति स्वलीला भीर आनंद कुंडे, कैसे करना है? स्वलीला भीर, स्वलीला भीर का एक और मतलब है, स्व का मतलब होता है यहाँ पर स्वरूप, अपने स्वरूप में रहकर भगवान की लीला का स्मरण करना है। अपने स्वरूप में रहने का मतलब कि फिलॉसफी के साथ, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है हम भगवान के अंश हैं, ये स्मरण करके, ये याद रख के कि मैं भगवान का हूँ और वो मेरे हैं, जब ये याद रख के हम भगवान की लीला का स्मरण करेंगे तो आनंद आएगा। ये पॉइंट ज़रूर होने चाहिए हमारे माइंड में कि मैं उनका हूँ और वो, तब मज़ा आएगा। ऐसे मज़ा नहीं आएगा जैसे आप देखो, ऐसे आज ही हम बात कर रहे थे घर में कि भाई कि बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, होता है नहीं होता है ना, एक पॉइंट क्या था, इरिटेटिंग सा हो जाता है, छोटे बच्चे कब तक संभालेंगे, कब तक चै चै पै पै सुनते रहेंगे उनकी, बट सबके बच्चे होते हैं और अपने बच्चे तो संभाल लेते हैं और अच्छा भी लगता है उनको अपने बच्चे संभालने में। क्यों? क्योंकि वो उनके अपने हैं, दूसरों के बच्चे नहीं कर सकते, वो इरिटेट हो जाएंगे। सो ये बस यही बात है, अपनापन, ममत्व, ये पहली स्वलीला फिर स्व मतलब एक और मतलब कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि अपनी लीला, मैं इसको अपनी लीला समझता हूँ, मैं इसको अपने कृष्ण की लीला समझता हूँ। स्वलीला फिर इसके द्वारा, स्वलीला फिर इसके द्वारा आनंद के कुंड में मैं डूब गया हूँ। ये ट्रिक है भक्ति की,
जितना ज़्यादा भगवान को अपना मानने लगोगे उतने ज़्यादा हैप्पीनेस आने लगेगी। मेरे स्वामी हैं, मेरे अपने हैं, मेरे भगवान हैं, और देन लाइक सखा सोच रहे मेरे सखा हैं, वो सोच रहे मेरे प्रियतम हैं। जैसे राजस्थान में कहते हैं हमारे ठाकुर हैं, यू नो ऑल दीज थिंग्स। इस सेंटिमेंट को बढ़ाना है हमें धीरे धीरे, ये इस इमोशन को धीरे धीरे बढ़ाना है और टूटने नहीं देना। सो इति दृक्सो लीला फिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमजंतम आख्या पयंतम। स्वघोषम होता है घोष, मतलब होता है घोष्ट, घोष्टपदी ये वर्ड आता है, वो होता है मतलब भगवान के भक्तों का समूह। घोष वृंदावन के जितने भी डिवोटी उनको स्वघोषम बोलते हैं। स्व मतलब भगवान के, घोष मतलब उनके डिवोटीज, ग्रुप ऑफ डिवोटीज, ब्रजवासी। स्वघोषम मतलब ब्रजवासी। स्वघोषम निमंजनतम, भगवान के डिवोटीज जब ये ब्रजवासी जब ये लीला देखते हैं, सारे फ्रेंड्स देख ही रहते हैं, नहीं फ्रेंड्स थे और ब्रज में सबको पता लग गया कृष्ण को ऐसे बांध रहे हैं, कृष्णा भाग रहे हैं, सारी गोपियां स्मरण कर रही थी, गोपियां भी थी वहाँ पे यशोदा माँ के साथ, वो भी देख रही थी। तो वो भी निमज्जनतम, वो भी निमज्जनतम मतलब होता है निमग्न हो गई इन आनंद के कुंड में। स्वघोषम निमज्जनतम आख्या पयंतम। सो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं आख्या पयंतम, इस तरह से मैं भक्त लोग इस लीला को एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह से उसको विजुअलाइज करते हैं। इसलिए लीला में कृष्णा डर रहे हैं मगर भक्त का डर खत्म हो रहा है, कृष्णा रो रहे हैं मगर भक्त का जन्म मृत्यु का रोना नष्ट हो रहा है, कृष्णा भय कर रहे हैं मगर भक्त अभय बन रहा है, कृष्णा बंध रहे हैं मगर भक्त मोक्ष मुक्त हो रहा है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। यही तो मजा है इस लीला में। तभी तो सत्यव्रत मुनि बाद में प्रे करेंगे कृष्णा आपके बंधने से जीव मुक्त हो जाता है, ये भगवान की महिमा है, भगवान को बांधोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल उल्टा है, अपनी भक्ति में बांधोगे तो मुक्त हो जाओगे। सो स्वघोषम निमज्जनतम आख्या पयंतम तदीय शीतगेशु भक्तिर्चित्तम। तदीय मतलब मदिया, तदिया मदिया मतलब मेरे, तदिया मतलब तुम्हारे उनके। तो जब हम उनके हो जाते हैं, जब हमें फीलिंग आती है कि मैं उनका हूँ, संसार का नहीं हूँ, फैमिली में किसी का नहीं, मैं उनका हूँ, तदीय शीतु गेशु, जब हमें ये समझ आता है गेशु, जब ये समझ आने लगता है, इस नॉलेज में हम एंटर कर जाते हैं, हमारा माइंड इस ज्ञान में प्रवेश कर जाता है कि मैं उनका हूँ, तब भक्ते रचितत्वम, तब आपकी भक्ति से वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। सो पूरा जो भी हम भक्ति में कर रहे हैं ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी चैंटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ये इस सेंटिमेंट को ही कल्चर करने के लिए कर रहे हैं। भक्ति मतलब भावनाओं को पोषित करना, तभी वल्लभ संप्रदाय में रागनों का भक्ति को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि मतलब पोषण, क्या पोषण कर रहे हैं, खाने से शरीर का पोषण करते हैं, है ना, ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि का, इच्छाओं से मन का पोषण करते हैं, और आत्मा का पोषण कैसे करते हैं, इस भावना से, कृष्ण भावना से, इस भावना से कि आमी तो तुम्हार तुम ही तुम्हारी, भक्त ठाकुर कह रहे हैं मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ, अपने आप बाकी सब अपने आप हो जाएगी चीज़ें। अगर आप यही सोचते रहोगे मैं उनका हूँ, चैंटिंग अपने आप होगी, मंगल आरती में अपने आप आओगे, प्रसाद अपने आप लोगे, जब मैं उनका हूँ तो उनके ही गुणगान करूँगा, उनका ही झूठा खाऊंगा, उनकी बात मानूंगा, सिंपल हो गया नहीं। तदेशी तो गेशु भक्तर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम। तो वो कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं मैं बार बार पुनः प्रेमतस्त्वम, मैं बार बार प्रेम से तो हम आपका शतावृत्ति वंदे, हजार बार आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, क्योंकि कृष्ण ही ऐसे भगवान है
जो कि स्वयं बंद जाते हैं मगर दूसरों को मुक्ति देते हैं, और कोई नहीं है। दामोदर लीला किसी भी अवतार में हुई नहीं, क्योंकि भगवान को किसी ने बांधा ही नहीं। भगवान को कौन बांध सकता है? कृष्ण ने इस लीला में दिखाया कि मुझे बांध दोगे तो तुम्हारा बंधन टूट जाएगा मुझे बांधने से। ये सीक्रेट है भक्ति, ये रहस्य है भक्ति का। ये सत्यव्रत मुनि इस फिलॉसफी सिद्धांत को इस तीसरे श्लोक में रख रहे हैं और हम लोग को इंस्पायर कर रहे हैं कि देखो गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। भक्ति को एक प्रोसेस मत समझो, प्रोसेस नहीं है वो भक्ति। चैंटिंग कंप्लीट हो गई, प्रीचिंग कर ली, आरती हो गई, प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस समझोगे तो एडवांस नहीं कर पाओगे। प्रोसेस के पीछे प्रिंसिपल क्या है वो समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ तो बहुत सारे भक्त हैं इतिहास में हुए हैं, सबने चैंटिंग भी की है, प्रीचिंग भी की है, मंदिर भी बनाए, मगर एडवांस नहीं किए। और कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं किया फिर भी एडवांस कर गए, कुछ लोगों ने दोनों किए तो सुपर एडवांस कर गए, तो बहुत अच्छा है। बट क्रक्स है कृष्ण भावना से भावित मति कहीं से मिल जाए हमें। वो कृष्ण भावना भावित मति क्या है? वो यही है, हृदय से मार्स नया ममता अतिशयांकिता भाव वसांतरण आत्मा बुद्धे प्रेमा निगत्य थे। ममता अतिशयांकिता, ममता होनी कृष्ण में, बस यही। ये कृष्ण के साथ तो ये प्रिंसिपल काम करते हैं ममता, और बरहादेव हयग्रीव उनके साथ ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, स्पेशली कृष्ण के साथ ममता। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आई मीन टू से बार बार रिपीट करने लायक है कॉन्सेप्ट, वर्थ है रिपीट करना। शायद आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपके चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है, मगर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसने ये समझ लिया वो कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ जाएगा 100%, 2000% बढ़ेगा वो। जिसने ये नहीं समझा वो 2000% नहीं बढ़ सकता आगे। जैसे जैसे मैं आपको भी, चलो आप लोग तो ऐसे ही बैठे हो, मुझे भी अजीब सा लग रहा है आप ये सुन के ऐसे ही बैठे हो, बट अगर मैं आपको कुछ जोक बोलूँगा हंसोगे नहीं हंसोगे बताओ? अगर मैं इसको बोलूँगा ए अंडे, ये देखो अभी हंस रहे, जोक है नहीं, एक्सप्रेशन है ना। सो बट ये जो पॉइंट मैंने बताया, अगर आपको रियली में हिट करता है तो आप तो पागल ही हो जाते सुन के। दिस इज दी पॉइंट। तो आप मतलब अगर जैसे वो ये नहीं कहते, जैसे हम लोग आपको बताता हूँ जैसे हम लोग बोलते हैं भाई आज हमारे और मंदिरों में अनाउंस नहीं करते कि आज भाई हमारे मंदिर के लिए सो कॉल्ड प्रभु, सपोज अनुजानंद प्रभु है, सपोज एग्जांपल, आज हमारे मंदिर के लिए अनुजानंद प्रभु ने हमें 10 लाख रुपए डोनेट किए, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? हरी वो नहीं, क्लैपिंग होगी? होगी नहीं होगी, अभी करोगे? इस पॉइंट पे क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। कृष्णा मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये ममत्व, ये क्लैपिंग का पॉइंट है। आपने क्लैपिंग नहीं की इसका मतलब आपको समझ नहीं आया, आपको पता ही नहीं है, ये पॉइंट नहीं पता, मिस कर रहे हो आप इस पॉइंट को। इस पे क्लैपिंग क्या है? इस पे तो पूरी रात क्लैपिंग होनी चाहिए। ममता अतिशयांकिता, अतिशयां रूपा को समय कह रहे हैं, अति एक्सट्रीम ममता चाहिए। जैसे ऐसे ममता बढ़ेगी वैसे वैसे आप कृष्ण आप भक्ति अपने आप होगी, भक्ति में हैप्पीनेस आएगी। सुसुखम करतुम अभियम, यही है ना, सुखम। सुखम क्या है? हैप्पीनेस। सु क्या होता है किसी को पता है? सु मतलब क्या होता है संस्कृत में? सु कब लगाते हैं? सुयोधन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक तो सु का मतलब बहुत ज़्यादा भी होता है,
यही है ना सू। और क्या कहेंगे सू का, और कोई वर्ड है? अच्छा, अच्छे के सेंस में भी है सू। सो अच्छा सुख, मगर सू की एक और सेंस है सू, सुखम। सू की संस्कृत में अगर आप पढ़ोगे ना, हिंदी में चलो कम ही होता है, सू की एक और सेंस होती है। सू का मतलब होता है, कैसे बताऊँ आपको, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। सू है सुबह, सू से सुबह, सुगम। नहीं, वो तो गम में सू लगा है ना। सू का मतलब इजी भी होता है, आसान। सुगम जाना, सू मतलब आसान, तो आसान है। बट सू का एक और मतलब था, सू का मतलब होता है डियर। डियर वो DER, प्रिय। आप उसमें जाओगे ना, क्या कहते हैं, कुछ लैंग्वेज, जैसे कुछ लैंग्वेजेस में प्रिय को सू कहते हैं। आप चाहे चाइनीज लैंग्वेज में देखो, प्रिय को सू कहते हैं, सू। सो सू एक प्रिय भी सेंस है। सू सुखम, सुख मिलेगा जब कृष्ण को अपना प्रिय समझोगे। सू सुखम हो गया, नहीं हो गया? इसी सू से आ रहा है सो, ऐसे कहते हैं ना, सो क्यूट कहते हैं ना, कहते नहीं कहते हैं? तो सू से सो, सो वो वाला सो, SO वाला, सो क्यूट, सो लाइक दैट। सो सू सुखम ये भी है, कुछ अचार्य भी लिख रहे हैं, प्रिय। जब कृष्ण को अपना प्रिय मानोगे तो सुख आएगा। बस ये करना है, और क्या करना है, इस सेंटिमेंट को आगे बढ़ाना है। प्रभुपाद कृष्ण को अपना प्रिय मानते थे, तभी कृष्ण के लिए प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया कि जूहू, जूहू की लैंड मैं आपको दूंगा, एंड ही फॉट फॉर दैट। जूहू की लैंड मैं आपको दूंगा, कि लड़े उनके लिए। उन्होंने कहा मैंने प्रॉमिस किया है कृष्ण को, एंड सबको पता है क्या लड़ाई हुई उसके बाद, वो लैंड ले ली प्रभुपाद ने। बस तो ये करना है हमें, और कुछ नहीं करना। जब हम इस तरह से भक्ति को कर, ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करोगे तो फॉल डाउन नहीं होगा, तब भी ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, मगर डायरेक्शन सही रहेगी। और एक बात है कि आपको थोड़ा संतुष्टि मिलेगी कि आप सही कर रहे हो, अदरवाइज़ बहुत थोड़ा टाइम बाद बहुत एक लैक नज़र आएगा। अगर आप ये प्रिंसिपल छोड़ दोगे तो बहुत लैक नज़र आएगा लाइफ में। प्रोसेस चलता रहेगा तो रिचुअल बन जाएगा एक पॉइंट के बाद, फिर आदमी पागल होता है क्या हो रहा है, फिर लोनलीनेस फील होती है कुछ तय टाइम के बाद, क्योंकि आपने कृष्ण को अपना माना नहीं, और डिवोटीज जो आपके साथ हैं वो आज हैं कल नहीं है। डिवोटीज अब आज हैं कल नहीं है, ये भी थे ना, संसारी है, अलग तो होना ही है सबको, मैं कृष्णा कभी अलग नहीं होंगे और ना हो सकते, बट आपको उनका हाथ पकड़ना है, उनको अपना मानना है, तो धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को, कोई क्वेश्चन है किसी का? पीछे आवाज़ सुनाई देती है आपको? हाँ ठीक है, फिर तो अच्छा ही है। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, मतलब कोई भी कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता? पहली बात तो कम ही डिवोटी आते हैं, उसमें भी क्वेश्चन भी कम है, कम डिवोटी कम क्वेश्चन है, ऐसा होता है। क्या कहते हो? ये लो, ना क्लैप करते हो ना क्वेश्चन पूछते हो, बड़े घटिया हो यार। ना क्लैपिंग है ना क्वेश्चन है, फिर क्या है, क्या है क्या, फिर मैंने बोला क्या है, फिर क्या क्या पूछ रहे हो? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कैसे आएगी फीलिंग, इज गुड क्वेश्चन। ये प्रभु जी का कोई दिमाग है ही नहीं, मेल्स एम्प्टी हैं, फीमेल्स कपूरथला में अच्छा है कोई दिमाग अच्छा। एक्चुअली इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं इसका आंसर करने वाला था मगर मैंने जानबूझ के नहीं उठाया, मुझे लगा कि कोई पूछेगा। कैसे आएंगी, नाउ दैट्स द होल पॉइंट।
उसके लिए आपको स्पेशल चीज़ करनी पड़ेगी। आप रूटीन चलते रहोगे तो नहीं आएगी, आप चैंटिंग करते रहोगे, प्रीचिंग करते रहोगे करते, वो नहीं आएंगी, वो ऐसे नहीं आती, सिर्फ इससे नहीं आती। वो करना ज़रूरी है क्योंकि प्रचार करने से कृपा आती है, मगर भाई धूप आ गई और कपड़ा ही नहीं रखा तो सूखेगा क्या? नहीं, धूप का करोगे क्या? धूप के अंदर गीला कपड़ा नहीं रखा तो क्या धूप का फ़ायदा है उससे? ना बैठ रहे हो धूप में, ना कपड़ा सुखा रहे हो, कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो कृपा आएगी उससे, मगर कृपा का फ़ायदा तब होगा, हरे कृष्णा, सुकृपा का फायदा तब होगा जब हमें उसे यूज़ करना आएगा। सो फीलिंग कैसे आएगी? फीलिंग आएगी जब आप डिवोटीज और भगवान के बारे में पढ़ोगे लीलाएं। यही तो कह रहे हैं इतिद्रि का स्वर लीला फिर। जब लीलाएं भगवान के पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यशोदा माँ कितना कृष्ण को अपना मानती है, राधा कृष्ण को कितना अपना मानते हैं, उनके लिए जान भी दे सकते हैं, तो आपका मन करेगा हम भी ऐसे बने। तो उनकी फीलिंग्स देख देख कर पढ़ के स्मरण कर करके वो फीलिंग्स हमारे में आ जाएंगी। ऐसे ही है ना, अगर आप गंदे आदमी के बारे में सोचते रहोगे तो आप भी गंदे बन जाओगे, सेम फीलिंग्स आप में आ जाएंगी। सो इस तरह से तभी कह रहे हैं इति दृक्ष व लीला फिर, वो लीलाएँ भगवान की अपनी निज लीलाएँ पढ़ने से। निज लीलाएँ का एक और मतलब है व्रज की लीलाएँ, द्वारका की मथुरा की लीलाएं कृष्ण अपनी लीलाएं नहीं मानते। स्वलीला भैरव व्रज की लीलाएं पढ़ने से वो फीलिंग्स आ जाएंगी। सो रोज़ पढ़नी चाहिए, रोज़ मेडिटेट करना चाहिए उन पर। क्लियर हो गया? और क्या पूछने? हाँ पढ़ते रहो, वो पढ़ लो, 10th कैंटो पढ़ लो, और डिटेल में उसमें तो दशम स्कंद में, और फिर और भी बुक्स हैं जो आप नेट से ले सकते हो, भगवान की लीलाओं पर हमारे आचार्यों ने लिखी हैं, वो पढ़ सकते हो। ठीक है। नहीं, वो पहले लिखी गई थी कलयुग से पहले, तो पिछले युग की लीला देखकर लिखी है। ये लीला तो हर युग में होती है ना, रिपीट होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस, अदरवाइज सेम ही रिपीट होती रहती है। ऑफकोर्स एग्जैक्टली सेम नहीं होती, क्योंकि कृष्णा तो बोर हो जाएंगे, है ना, सेम सेम तो नहीं करते रहेंगे। ये भी सही है, जैसे गीता मतलब महाभारत ही हो चुकी किसी और जगह ये, हाँ हाँ बस, तो वो किसी पिछले युग की या किसी और ब्रह्मांड की सेम लीला को देख कर डिस्क्राइब कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, सुखी लैंड दिया। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।